चलिए आगे बनाते हैं स्पेशल पंचमेल दाल और तुरई से बनी हुई सब्जी या दाल बोलिए, बहुत टेस्टी बनेगी। कैसे बनी चलिए आपको हम दिखाते हैं। हमने लिया पंचमेल दाल। इस दाल में 5 तरह की दालें मिली हुई है, मिक्स आती है बाजार में, उसको ले सकते हैं या आप घर पे अपनी 5 दाल को मिला करके पंचमेल दाल तैयार कर सकते हैं। इसमें अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल और मसूर की दाल, 5 दालें हैं। एक कटोरी सब दाल मिला करके हमने एक कटोरी दाल ली है, उसको धो करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। दाल अच्छे से फूल चुकी है, देखिए। आधा किलो तुरई है, छील करके हमने इतने बड़े लंबे पीसों में काट लिया है, बिल्कुल फ्रेश तुरई है, ताज़ी तुरई आई है। कुकर में बनाएंगे, गैस जला देते हैं पहले हम। इसमें डालेंगे तेल, तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हम एक बड़ी इलायची और डालेंगे हम एक साबुत लाल मिर्च, इसे तोड़ देंगे ऐसे करके तब डालेंगे, और एक लेंगे तेज़पत्ता, जीरा, बिल्कुल थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग बहुत अच्छी है इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, इतने में खुशबू आ जाएगी सब्जी में। अब डालेंगे इसमें हम लहसुन की कलियाँ 7 से 8 बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 2 टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए, अब डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, अब डालेंगे इसमें हम दाल, अब डाल देंगे इसमें हम तुरई, नमक डालेंगे, सबको मिलाएंगे। अब अगर पानी डालेंगे बहुत कम, देखिए 1 चम्मच करीब पानी डाला है इसमें हमने। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और गैस को हम मीडियम कर देंगे और 2 सीटी आने तक बनने देंगे। 2 सीटी में दाल बन के तैयार हो गई है पंचमेल दाल तुरई, हमारी तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसको ऐसे सर्व कीजिए चावल या रोटी के साथ में, लेकिन मैं इसमें थोड़े से कच्ची प्याज भी ऊपर से डालूंगी, मैं इसमें थोड़े से प्याज डालूंगी, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये तैयार है हेल्दी सी पंचमेल दाल और तुरई की सब्जी।